हेलो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आउटलुक ओपन करता हूँ तो ये एरर दे रहा है, आप देख सकते हैं। मींस इसका आउटलुक पीएसटी फाइल करप्ट कर चुका है। आप देख सकते हैं उस पीएसटी फाइल का पाथ भी दिखा रहा है, ये ई ड्राइव में outlook1.psd आप देख सकते हैं। जब भी ये पीएसटी का फाइल करप्ट हो जाता है तो आपका ऐसे ही आउटलुक ओपन नहीं होगा और ये एरर देगा। तो अब हमें इसे रिपेयर करना है ताकि मैं आउटलुक इसे ओपन कर सकूं। तो मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा कि इसे हम कैसे रिपेयर करते हैं। तो आपने पाथ देख ही लिया है, ये मैंने ओपन किया, यहाँ पर आउटलुक पीएसटी हमारा है, आप देख सकते हैं ये outlook1.psd, ये हमारा ईमेल डाटा पाथ है। तो इसे बिना रिपेयर किए हम आउटलुक का ईमेल रिकवर नहीं कर सकते। हमें प्रोग्राम फाइल्स में जाना है। आप एमएस ऑफिस जहाँ भी इंस्टॉल्ड है वो जनरली प्रोग्राम फाइल्स में ही इंस्टॉल होता है। ऑफिस 12 या और वर्ज़न हो तो ऑफिस 15, 16 ऐसे करके शो करेगा। उसको ओपन करना है और उसमें scan.psd.exe एक पीएसटी रिपेयर टूल है, इसको ओपन करना है। आप देख सकते हैं ये ओपन हो गया और उस डेटा फाइल को यहाँ पर ब्राउज़ करना है जो outlook1.psd है। उसको ब्राउज़ करने के बाद आप देख सकते हैं ये हमने सेलेक्ट कर लिया और स्टार्ट पर क्लिक करना है। इसमें दो फेज़ में रिपेयर होता है, एक तो स्कैनिंग करने का फेज होता है, दूसरा रिपेयर करने का। ये अभी स्कैनिंग का प्रोसेस चल रहा है जो 8 फेज़ में होता है। आप देख सकते हैं ये रेड बॉक्स में 3 of 8 यानी थर्ड फेज चल रहा है। टोटल 8 फेज में ये स्कैनिंग होगा। स्कैनिंग होने के बाद रिपेयर का डायलॉग बॉक्स आएगा और उसमें हम रिपेयर पर क्लिक करेंगे तो रिपेयर होगा। मैं यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रहा हूँ। ये डिपेंड करता है आपके पीएसटी साइज़ पर। अगर पीएसटी साइज़ बहुत बड़ा है, 10 GB, 20 GB, तो हो सकता है 1 आवर, 2 आवर, इवन होल डे भी लग सकता है। और वो रिपेयर होने के बाद देखिए आप ऐसा मैसेज आएगा, रिपेयर बटन आएगा। ये सेकेंड फेज़ है स्कैनिंग के बाद। रिपेयर पर क्लिक करते ही आपका ये मैंने फास्ट में फॉरवर्ड में दिखाया है, यहाँ पे आपको गोल गोल घूमेगा आपका माउस पॉइंटर, बहुत ही बिजी दिखाएगा, ऐसा लगेगा जैसे हैंग हो गया। पर आपको कुछ नहीं करना है, उसको होने देना है। और रिपेयर होते ही आपका ये मैसेज रिपेयर कंप्लीट का आएगा, उसमें क्लिक ओके करना है। ये डिपेंड करता है रिपेयर आपका पीएसटी के साइज़ के ऊपर, तो वो साइज़ बहुत बड़ा होगा तो बहुत देर आपको वेट करना पड़ सकता है। अब ये रिपेयर हो चुका है और रेडी है, हम अब आउटलुक को ओपन कर सकते हैं। आउटलुक को ओपन करते ही आप देखेंगे कि आपका जो वो आउटलुक में एरर दे रहा था वो एरर अब नहीं दे रहा है। अगर ये कैसा लगा, आप हमें सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।